नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने आपको जानकारी दे ही दिया था कि बिहार में राशन कार्ड जो है ऑनलाइन बनेंगे, तो जो भी यहाँ पर डेमो लिंक जारी किया गया है जिसके माध्यम से आपको किस तरह से फॉर्म को फिल करना है, और इसी डेमो फॉर्म के आधार पर जो है ओरिजिनल फॉर्म भी फिलअप किया जाएगा जब नया लिंक जारी कर दिया जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, किस तरह से फॉर्म को फिल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देंगे। किसी भी तरह का आपको मिस्टेक नहीं करना है। सबसे पहले सीख लीजिए कि इस तरह से फॉर्म को फिल किया जाएगा, और इसी के बेस पे जो है आप आने वाले फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और आपके मन में किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में टाइप करना है बिहार राशन कार्ड ऑनलाइन इजी टू नेट। इसको आपको सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है ये वाला पोस्ट आएगा जो कि easytonet.com वेबसाइट से लिखा गया है। सिंपल सा इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, डायरेक्ट आप इस पेज पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद सारा चीज़ मैंने बता दिया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, किस तरह से क्या करना होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि राशन कार्ड अप्लाई ऑनलाइन का जो है लिंक यहाँ पर मिल जाता है, और यहाँ पर इसका यूज़र मैनुअल भी आपको मिल जाता है। सबसे पहले यूज़र मैनुअल आपको हम डाउनलोड करके दिखा देते हैं। इस तरह से क्लिक करेंगे तो आपका जो यूज़र मैनुअल है वो डाउनलोड हो जाएगा। आपको हम बता दें कि बहुत पहले एक अपडेट आया था जिसमें बताया गया था कि राशन कार्ड जो है वो ऑनलाइन आवेदन होगा, तो उसमें जो है यही यूज़र मैनुअल जो है मेंशन किया गया था। तो मैंने आपको जानकारी दिया था कि इसका मतलब कहीं से तो लिंक नहीं मिल रहा है, तो ये नकली भी हो सकता है, असली भी हो सकता है। लेकिन अभी ये प्रूफ हो गया कि ये जो है असली है, और जो भी मैनुअल यहाँ पे जारी किए गए थे यानी कि लीक हुआ था वो सही हुआ था। उसके बाद सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राशन कार्ड अप्लाई ऑनलाइन का जो बटन है इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप जो है इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है epdsbihar.gov.in का ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस लिंक को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। इस तरह से हटाइएगा, या फिर सिंपल सा आपको करना क्या है, अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में epdsbihar जो कि बिहार का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप सभी को पता ही है, इसको यहाँ से ओपन करना है। इस तरह से आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डेमो जो RCMS ऑनलाइन का जो ये मतलब लिंक है यहाँ पे जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पे आपको हम बता दें कि देखिए डिस्क्लेमर है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो है डेमो के लिए यहाँ पे जारी किया गया है। इसमें अगर आप आवेदन करते हैं तो आपका जो नाम है राशन कार्ड में नहीं जुड़ेगा, या फिर राशन कार्ड में करेक्शन नहीं होगा। तो केवल डेमो के लिए, जैसे कि किसी भी तरह का वेबसाइट लॉन्च किया जाता है, लिंक आता है, तो उससे पहले जो है डेमो एक मतलब लिंक जारी किया जाता है जिसके माध्यम से आपको जानना होता है किस तरह से फॉर्म को फिलअप किया जाएगा, इसका प्रोसीजर क्या है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई, या फिर आप यहाँ पे आकर डेमो RCMS ऑनलाइन का जो बटन दिया गया है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। कहीं से भी क्लिक कीजिए, आप यहाँ पे पहुँचेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ बता दिया गया है कि दिस डेमो साइट जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज टू टेस्ट द फंक्शन ऑफ अप्लीकेशन, ऑल द राशन कार्ड जनरेटेड बाई इट्स विल बी डिलीटेड। मतलब कि जो भी मतलब ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए जो है फॉर्म को फिलअप करना है, देखना है कि कैसे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जितने भी आप यहाँ पे आवेदन देंगे सारे के जो है डिलीट कर दिया जाएगा, केवल ये डेमो पर्पज़ के लिए यहाँ पे जारी किया गया है। जैसे यहाँ पे रियल लिंक जारी हो जाता है तो सेम इसी तरह से जो है आपको फॉर्म को फिल करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए ये देख सकते हैं कि यहाँ पे SDO BDO का लॉगिन दिया गया है, और यहाँ पे कोई मतलब व्यक्ति है जो राशन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहता है तो यहाँ पे क्लिक करके आवेदन कर सकता है। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो देख सकते हैं कि आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा, लेकिन आप पहली बार आएंगे तो आपके पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टू रजिस्टर क्लिक हेयर के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जैसे कि एप्लीकेंट का नाम मांगेगा, अप्लीकेंट का नेम हिंदी में डालना है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। जिनके भी नाम से आप राशन कार्ड बना रहे हैं उनका ही जानकारी यहाँ पे फिल कीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे एक नाम फिल कर देते हैं, जस्ट मतलब बताने के पर्पज़ से आपको हम इस वीडियो को बना रहे हैं, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब जैसे ही जनरेट OTP के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक OTP जाएगा जो कि 6 डिजिट का होगा, उसको आपको यहाँ पे फिल करना है, और उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट OTP के बटन पे आपको क्लिक करना है। अगर OTP नहीं आया है तो आप यहाँ पर रिसेंट पर क्लिक करके OTP दोबारा मंगा सकते हैं। अब जैसे ही वैलिडेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको आधार नंबर डालना होगा, जो भी आप नाम डाले हुए हैं मतलब पिछली बार जो भी आप एप्लीकेंट का नाम डाले हुए हैं उनका जो है आधार यहाँ पर मैच करना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर नहीं लेगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेट बिहार ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा, आपको केवल डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट करना है।
उसके बाद यहाँ पे पिन कोड अपना लिख देना है और उसके बाद पासवर्ड आपको बनाना है। पासवर्ड कैसे रहेगा आपको हम बता देंगे, उसके हिसाब से पासवर्ड आपको सेट करना है और कैप्चा को डालकर आपको रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा जो भी एप्लीकेंट नेम लिखे हुए हैं वो नाम सही होना चाहिए, आधार से मैच करना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर नहीं लेगा। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है इस तरह से सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे कॉपी कर लेना है, वैसे आपके मोबाइल नंबर पर भी सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ओके के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, लॉगिन करना है, ठीक है। तो लॉगिन करने के लिए बैक टू लॉगिन का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपको जो भी यूज़र आईडी मिला हुआ है उसको यहाँ पर डाल देना है, चलिए हम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आपने जो भी बनाया था उसको डालना है और उसके बाद कैप्चा को भर के लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन कर लेंगे तो आपका जो डैशबोर्ड है इस तरह से ओपन हो जाएगा और आपका जो लॉगिन आईडी है यहाँ पे मिल जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है जानकारी दिया गया है कि आपको जो है आधार कार्ड की छाया प्रति अपलोड करना होगा, जो भी बैंक अकाउंट का पासबुक होता है उसका फर्स्ट कॉपी स्कैन करके अपलोड करना होगा, जिसमें IFSC कोड, अकाउंट होल्डर नेम और अकाउंट साफ साफ दिखना चाहिए। उसके बाद रेसिडेंटल सर्टिफिकेट आपको देना होगा, फैमिली का ग्रुप फोटो आपको देना होगा, जैसे कि राशन कार्ड में जिस तरह से ग्रुप वाला फोटो लगता है, अगर आप डिसेबिलिटी है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आवेदन करना है तो आवेदन करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्लाई का बटन दिया गया है, तो अप्लाई पे जाना है और न्यू अप्लाई के ऑप्शन पे आपको कर्सर ले जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप अर्बन से आते हैं कि रूरल से आते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक कर लेंगे, मतलब कि उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। देख सकते हैं कि सारे चीज़ जो है आपको भरना मैंडेटरी है जहाँ पर स्टार लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपने जो है अनुमंडल यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ से अपना अनुमंडल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से ब्लॉक को सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ से पंचायत को आपको सिलेक्ट कर देना है, चलिए हम फटाफट इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्राम आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपका ग्राम या फिर गाँव पड़ता है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो देख सकते हैं कि आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपसे कहा गया है कि आपने जो भी रजिस्ट्रेशन करते समय नाम दिया होगा वो नाम जो है यहाँ पे ले लिया होगा। मेरे केस में आपको हम बता दें कि देखिए राशन कार्ड का जो आवेदन होता है जो आपके घर के जो भी वरिष्ठ महिला होती है उन्हीं के नाम से दिया जाता है। किसी कारण अगर आपके घर में महिला नहीं है तो आप अपने नाम से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके घर में वरिष्ठ महिला है मतलब सबसे जो बड़ी महिला है, आपने मान लीजिए ज्वाइंट फैमिली है तो आपके घर का जो भी बड़ी महिला है ना, जैसे कि माता है, दादी है, उन्हीं के नाम से जो है आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो मेरे केस में मैं अपने नाम से फिल किया हूँ डेमो फॉर्म के लिए, तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पति या फिर पिता का नाम लिखना होगा, जैसे कि मान लीजिए जिस भी महिला के नाम से अप्लाई कर रहे हैं वो आपका जो है एप्लीकेंट का मतलब एप्लीकेंट हो गया यानी कि आवेदक हो गया। अब उसके पति या फिर पिता का नाम आपका लिखना है तो उसको अंग्रेजी में और हिंदी में यहाँ पर आपको टाइप करना है, ठीक है। तो इस तरह से फिल कर दीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए महिला है तो पति का नाम ही दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना जो है पूरा एड्रेस यहाँ पे फिल करना है, जो भी आपका निवास प्रमाण पत्र पर एड्रेस दिया गया है और जो भी आपका एड्रेस है उस एड्रेस को आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे दोस्तों आपको लिंक सेलेक्ट करना होगा कि पुरुष है कि महिला है कि अन्य है। तो महिला के ही नाम से अप्लाई होता है, मेरे कंडीशन में डेमो फॉर्म भर रहा हूँ तो पुरुष हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, चूँकि यहाँ पर हमने खुद का नाम से यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ये डेमो फॉर्म है, ठीक है, कई बार मैं आपको बता दिया। उसके बाद उम्र आपको दे देना है कि जो भी कैंडिडेट है उसका जो है उम्र क्या है। उसके बाद शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, तो मान लीजिए अगर महिला होगी तो उस कंडीशन में उसका शादी हुआ होगा तो यहाँ पे आपको विवाहित सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर शादी नहीं हुआ है तो अविवाहित भी यहाँ पे सेलेक्ट आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर कंडीशन के ऊपर अप्लाई होता है। उसके बाद यहाँ पे कार्डधारी से संबंध पूछा जा रहा है, जैसे कि जिनका भी नाम आप यहाँ पे दिए हुए हैं, मान लीजिए किसी महिला का नाम आप यहाँ पे दिए हुए हैं और यहाँ पे आप उनके पिता का नाम दिए हैं कि पति का नाम दिए हैं, ये जो है आपको यहाँ पे मतलब देना होगा, उसका संबंध इनसे क्या है आपको दे देना होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे महिला का नाम है तो यहाँ पे पति का नाम दिए हुए है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे कि वो जो है मेरी पत्नी है, ठीक है। देख सकते हैं कि इस तरह से आपको जैसे पत्नी बीबी है, ठीक है, इस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे। पूछा जा रहा है कि कार्डधारी का मतलब परिवार की वरिष्ठ महिला से है, कृपया परिवार की वरिष्ठ महिला से आप अपना संबंध अंकित करें। तो अगर आपने यहाँ पे पति का नाम दिया है तो पत्नी और बीवी दे सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई और आपके कंडीशन में हो सकता है तो आप अपने हिसाब से देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है जाति आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा जाति कर्ता पाते हैं। उसके बाद यहाँ पे व्यवसाय मतलब कि जो भी महिला है वो करती क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे जो भी है, जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर घर का काम करती है कि क्या करती है। तो मान लीजिए हम जेंट्स के नाम से फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर हम मजदूर श्रमिक ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आय का स्रोत आपको देना है कि आपके घर में कहाँ कहाँ से आय आता है, हालांकि ये भरना मैंडेटरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे जो है आपको मासिक आय भरना होता है। तो मासिक आय में जो भी आपका आय होगा, आपने जो भी आधार नंबर मोबाइल नंबर दिया है आपके सामने इस तरह से आएगा। अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंक का नाम आपको सिलेक्ट करना होगा, जो भी आपका बैंक है आप यहाँ से कंप्यूटर के कीबोर्ड से प्रेस करके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका जो है कौन सा बैंक है। उसके बाद थोड़ा सा रिफ्रेश होगा, यहाँ पे IFSC कोड सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। देख लीजिएगा आपके पासबुक पर जो भी IFSC कोड प्रिंटेड होगा उसको यहाँ पे आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है बैंक खाता नंबर आपको डालना है, और डालने के बाद यहाँ पे जो है सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे सिंपल सा आपको ऊपर आना है, ऊपर आने के बाद यहाँ पे जो होम का बटन है इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। अब जैसे ही होम के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप जो है होम पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों अप्लाई पर कर्सर आप ले जाएंगे तो यहाँ पे जो है एडिट एप्लीकेशन का आपको जो है एक ऑप्शन आएगा, जिसमें एप्लीकेंट का जानकारी हमने फिल कर दी है, जैसे कि आपको फिल करके दिखाया। अब यहाँ पे आपको जो है मेंबर ऐड करना है, तो मेंबर ऐड करने के लिए मेंबर के जो बटन दिया गया है इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है मेंबर ऐड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। जो भी आपने यहाँ पर जानकारी फिल किया हो जानकारी पहले से रहेगा, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है मेंबर आपको ऐड करना है, तो सबसे पहले राशन कार्ड के अरेयर सदस्य का जो है ब्यूरो यहाँ पे देना है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में दो चार लड़के हैं, लड़की हैं, या फिर भाई बहन है, जो भी है उनका जानकारी आप देना चाहते हैं तो इसमें जो है दे सकते हैं। अब सबसे पहले अंग्रेजी में नाम आपको यहाँ पे टाइप करना होगा, उसके बाद यहाँ पे हिंदी में टाइप करना होगा। पति या फिर पिता का नाम यहाँ पे देना होगा हिंदी और इंग्लिश में। उसके बाद यहाँ पे लिंक आपको सेलेक्ट करना है कि जिनका भी नाम यहाँ पे जोड़ रहे हैं कौन सा लिंक है उनका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उम्र क्या है, उनका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। कार्डधारी के साथ क्या संबंध है, यानी कि जो भी आप जिनके भी नाम से आप राशन कार्ड बना रहे हैं उनके साथ इनका क्या संबंध है जिनका आप नाम यहाँ पे फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे संबंध दिए जाते हैं, जो भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। उसके बाद इनका जो है आधार कार्ड नंबर यहाँ पे देना मैंडेटरी है। आपको हम बता दें कि अगर जिनका आप नाम जोड़ना चाहते हैं, मतलब कि राशन कार्ड में नाम दिखाना चाहते हैं, उनका आधार कार्ड नहीं होगा तो इस बात को समझ लीजिए कि उनका जो है राशन कार्ड में नाम नहीं जोड़ा जाएगा। तो उनका आधार नंबर आपको देना है, मोबाइल नंबर देना भी कंपलसरी है। उसके बाद वो क्या करते हैं आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। अगर मान लीजिए पढ़ाई वढ़ाई करते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अनसेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आय का स्रोत क्या है, और मासिक आय कितना है, क्या वो विकलांग तो नहीं है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद ऐड मेंबर पर आपको क्लिक करना है, तो ये जो है मेंबर इस तरह से नीचे ऐड हो जाएगा, जिस तरह से यहाँ पे जो मतलब कार्डधारी का नाम इस तरह से ऐड हुआ है जैसे देख सकते हैं, तो इसके नीचे जो है एक मेंबर का नेम ऐड हो जाएगा। इस तरह से करके जो है सारे मेंबर का नाम जो है आपको ऐड कर लेना है। यहाँ पे ऐड करेंगे तो जो भी आप नाम लिखेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और फिर से यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सभी जानकारी को फिर से आपको फिल करना होगा दूसरे किसी का, जिनका आप ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपके घर में सदस्य हैं जिनका आप नाम राशन कार्ड में ऐड करना चाहते हैं तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ऐड करने के बाद फिर से आपको ऊपर आना है और यहाँ पे अप्लाई के बटन पर जाना है, और फिर से आपको एडिट एप्लीकेशन के बटन पर जाना है। अब जो है आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। तो उसके लिए आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना है समझ लीजिएगा। सबसे पहले जो ज्वाइंट फैमिली का पूरा फोटो होता है, जितने भी नाम लोग आप नाम जोड़ रहे हैं सभी का जो है एक साथ खड़ा होकर फ़ोटो खींचना होगा, और उस फोटो को जो है आपको यहाँ पर अपलोड करना है। फ़ोटो का जो मैक्सिमम साइज रहेगा 100 KB से अंदर रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दस्तावेज आपको कौन कौन सा अपलोड करना है ये समझ लीजिएगा। सबसे पहले जो आधार कार्ड का छाया प्रति होता है, यानी कि आधार कार्ड का फोटो कॉपी आपको करना है, किनका, कैंडिडेट का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो बैंक का पासबुक होता है उसका फर्स्ट जो पेज होता है उसको आपको स्कैन करना है, और इसको आपको टिक करना है, ठीक है, सभी को देना मैंडेटरी है। उसके बाद यहाँ पर रेसिडेंटल सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा, उसको भी स्कैन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका फैमिली का जो मतलब ग्रुप फोटो होता है जो आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं उसको भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और जिनके भी नाम से आप राशन कार्ड बना रहे हैं अगर वो विकलांग है तो इस तरह से विकलांग सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा, तो उसके लिए भी यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। अगर विकलांग नहीं है तो टिक मत कीजिएगा। अब ये क्या करना है, तीनों डॉक्यूमेंट्स को आपको जो है एक ही PDF में स्कैन करना है, और PDF का जो साइज़ है आपको जो है मैक्सिमम 1 MB से कम रखना है। मिनिमम आप कितना भी रख सकते हैं लेकिन मैक्सिमम जो है 1 MB से ज़्यादा आपको नहीं करना है, उससे आपको कम ही रखना है, ठीक है। और यहाँ पे फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, और तीन जो डॉक्यूमेंट्स आप एक ही में स्कैन करेंगे, ठीक है, उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। और अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको चूज फाइल करना है, जैसे कि मान लीजिए आप फोटो लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ फ़ोटो लगा लेंगे,
और उसके बाद यहाँ पे अपना जो है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके और अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो थोड़े टाइम लेगा और आपका जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, फिर से अप्लाई के बटन पर आपको जाना है, एडिट एप्लीकेशन पर जाना है, अब जो है आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट करना है। तो उसके लिए फाइनल सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको जो है आवेदन संख्या नंबर भी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, पारिवारिक फोटो आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद आपने जो भी जानकारी फिल किया है वो सारा चीज़ जो है आपको इस तरह से डिस्प्ले होगा। जो भी आप अपने मेंबर का नाम इसमें जोड़ने के लिए दिए हुए हैं जानकारी, वो जानकारी आपके सामने इस तरह से आएगा। अब आपको सिंपल सा नीचे आना है, यहाँ पे जो है कुछ आपको मतलब ये चीज़ आपको बताना होगा कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है। तो पूछा गया है कि आपके पास मोटर चलित तीन पहिया चार पहिया वाहन है, तो अगर है तो हाँ कीजिएगा, नहीं है तो नहीं कीजिएगा। जनरली राशन कार्ड बनाने के लिए आपको जो नहीं ही करना पड़ेगा, नहीं तो अगर आपके पास कुछ भी यहाँ पे अगर आप करते हैं मतलब कुछ भी आपके पास ये है अगर हाँ करते हैं तो आपका जो है राशन कार्ड नहीं बनेगा। यानी कि ये समझिए कि सब में जो है आपको नहीं ही करना होगा, अगर आपके पास है तो आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है आपको टिक करना है, और टिक करने के बाद यहाँ पे जो है डाउनलोड अपलोड डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है सबमिट करना होगा, यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया है, ठीक है, तो इसलिए जो है सबमिट का बटन नहीं आ रहा है। होम के बटन पर क्लिक करके फिर से आपको जो है होम पे आ जाना है। अब यहाँ पे अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे और अपना एप्लीकेशन भविष्य में ट्रेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो स्टेटस का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी जो है मैंने इसको फाइनल सबमिशन नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ मैंने फिलअप नहीं किया है और फाइनल सबमिशन नहीं किया है, इसलिए जो इस तरह से दिखा रहा है। आपका फाइनल सबमिशन हो जाने के बाद यहाँ पे जो है स्टेटस दिखाने लगेगा कि आपका जो है एप्लीकेशन कहाँ तक गया हुआ है। तो इस तरह से जो है फॉर्म को आपको फिल करना है, मैंने आपको डेमो फॉर्म भर के दिखाया, जैसे कि आप यहाँ पे सारा जानकारी ले लिए होंगे। अब दोस्तों आपको हम बता दें कि कई सारे लोग पूछेंगे कि क्या शुरू में जो हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो क्या वो मतलब जिनका भी हम राशन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो सभी का रजिस्ट्रेशन जो है अलग अलग करना पड़ेगा। तो हाँ दोस्तों, आपको जो है अलग अलग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जिनके भी नाम से आप राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं के नाम से रजिस्ट्रेशन करना होगा, तब जाकर जो है राशन कार्ड यहाँ पर अप्लाई होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको बता दिया कि जो भी सरकार के द्वारा डेमो फॉर्म जारी किया गया है जिसके माध्यम से किस तरह से राशन कार्ड को फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल करने से आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा, केवल टेस्टिंग पर्पज़ के लिए जो है इस लिंक को जारी किया गया है। लेकिन इसी तरह से जो है राशन कार्ड के लिए आवेदन लिया जाएगा जब यहाँ पे रियल लिंक जारी कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको सीख लेना है कैसे फॉर्म को फिल करना है, उसके बाद आप जब ओरिजिनल लिंक आएगा उसके माध्यम से राशन कार्ड के लिए फॉर्म को फिल करके राशन कार्ड बनवा सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।